दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में दूसरों की गलती देख के अपनी गलती सुधार लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है आपका, क्योंकि उसमें आपको कुछ खोना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद गलती करके उसको सुधारते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है। आज बात करूंगा दोस्तों जीबी फुटबॉल और यूनिवर्सल फुटबॉल ऐप के बारे में। यूनिवर्सल फुटबॉल ऐप के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये ऐप जो है भागेगा आपका पैसा लेके। जो लोगों ने मेरा बात सुन के वहाँ से पैसा निकाल लिया, उनका पैसा सेव हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जीबी फुटबॉल में आँख मूंद के वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग, कुछ विद्वान आके मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे कि हमने बहुत अर्निंग कर लिया, ये वो। आपने अर्निंग कर लिया, लेकिन आपका अर्निंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को डुबा दो यहाँ पे। दोस्तों, अभी भी एक वीडियो में स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताया उसका बोलने का यही मतलब है कि आप यूनिवर्सल फुटबॉल के जो लोग हैं उनको देख के अपनी गलती सुधार लो। देखो वो लोग अपना कितना कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो है लुटा चुके हैं, उनका इन्वेस्टमेंट अब दोबारा उनको नहीं मिलने वाला है। उन्होंने बहुत पैसे जो है यूनिवर्सल फुटबॉल ऐप में गंवा दिया है, कुछ लोगों ने अपना जीवन भर का पूंजी हो सकता है वहाँ पर गंवा दिया हो। दोस्तों, ठीक इसी तरह मुझे अपडेट मिल रहा है, कुछ लोग जो है जीबी फुटबॉल में 8-8, 10-10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही सेफ नहीं है। दोस्तों, अभी कुछ लोग कहेंगे कि आप हमेशा हमें इन प्लेटफॉर्म में जाने से रोकते हो, पैसे कमाने से रोकते हो। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, अगर आपको इन सब प्लेटफॉर्म में पैसे कमाना है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप कमाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख मूंद के सारा पैसा वहां पे डाल दो। कुछ मेंटर्स, कुछ सो कॉल्ड जो है मार्केटर बोलो या फिर अपने आपको क्या समझते हैं, आई डोंट नो, सेमिनार करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं और लोगों को अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आते हैं कि लोग आंख मूंद के वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म में लोगों को जोड़ के थोड़े पैसे कमाना चाहते हो, आप लोगों को इस तरह से बोल के वहाँ इन्वेस्ट कराओ कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करो अपने रिस्क पे, क्योंकि ये सब हाइप होता है। HYIP गूगल पे सर्च कर लेना, हाइप प्लेटफॉर्म दोस्तों, ज़्यादातर स्कैम ही होता है और ये स्कैम करता है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो, इतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप, अगर लॉस भी हो जाए आप वो लॉस बेयर कर सको, क्योंकि अगर आप इस तरह से लोगों को समझा के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाओगे, इन फ्यूचर लोग भी आप पे उतना जो है, आप लोगों का भरोसा भी उतना नहीं टूटेगा। और लोगों को आप समझाओ कि आप इन प्लेटफॉर्म में अगर जा रहे हो तो सोच समझ के अपने रिस्क पे वहाँ पे पैसे लगाओ। आप लोग सेमिनार करते हो, घर घर जाते हो, खाने बांटते हो, लोगों को पैसा देते हो, लोगों को ऐसा फील करवाते हो कि यही प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है, ये भागेगा नहीं। और ये सब देख के भोले वाले गाँव के लोग अपने सारे पैसे जो है यहाँ पर लगा देते हैं। और ये सब सेमिनार और जो है सेमिनार्स की ये जो चकाचौंधी जो है, आप दिखाते हो कि ऐसा है वैसा है और लोग अपना पैसा लगाते जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही होता है इन सब ऐप के अगेंस्ट कि आप यहाँ पे अगर जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि आप ना जाओ। अगर आप जा रहे हो तो एक बार सलाह मशवरा करो किसी अच्छे इंसान से जो आपको सही गाइडेंस दे, और वहाँ पर सारे चीज़ देख के इतना ही इन्वेस्ट करो जितना का लॉस आप बेयर कर सकते हो। दोस्तों, जीबी फुटबॉल जो है बहुत ही जल्द यूनिवर्सल की तरह गायब हो जाएगा। जीबी के जो ग्रुप से वहाँ पे भी आप जाके देख लो, लोग बातें कर रहे हैं, किसी का विड्रॉवल अटक गया है, किसी का प्रोसेसिंग है। ये जब ऐप जो है आगे जब जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, विड्रॉवल अटका के आईडी बैन करवा के चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप जीबी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। यूनिवर्सल फुटबॉल में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको एक बार जाके पूछ लो उनके साथ क्या हो रहा है अभी। तो जितने भी लोग आके कमेंट करेंगे जीबी के फेवर में, उनको मैं बताना चाहूँगा आप कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरा वीडियो देख के किसी एक भी भोले वाले इंसान का 1 रुपया भी बचता है, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। और कुछ लोग तो मुझे स्ट्राइक ये वो का भी धमकी देते हैं, आप जितना मर्जी कर लो। किसी, मैं कोई अगर गलत चीज़ कर रहा हूँ वो यूट्यूब जानता है, यूट्यूब का कोई कॉपीराइट वायोलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। स्कैम के बारे में अवेयर करना कोई कॉपीराइट वायोलेशन नहीं होता है, तो मैं तो ये चीज़ करता रहूँगा। आपको जो करना है, जो भी कंपनी के लोग आगे मुझे बोलते हो कर लो, मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि मेरे जो भोले भाले जो ऑडियंस है, जो सही मायने में मेरे वीडियोस पे ट्रस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बना रहे। मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहो ताकि इस तरह का अपडेट मैं आपको देता रहूँ। फेसबुक पे पेज को लाइक करना ताकि फेसबुक पे भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर देना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।